लोकसभा चुनाव में कोई मतदाता ना छूटे की थीम को साकार करते हुए प्रशासन की ओर से ऐसे मतदान कर्मी जो विभिन्न बूथों पर मतदान कराएंगे उनसे पहले ही मतदान करा लिया जा रहा है। विश्वविद्यालय परिसर स्थित दीक्षा भवन में चुनावी ड्यूटी में लगे पीठासीन पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रशिक्षण के दौरान पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सरनीत कौर ने बताया। मॉक पोल हो रहा है, लगभग हम 5% मशीनें जो हमारी होती है उसको हम मॉक पोल डाल के देखते हैं। हम 1000 वोट डालते हैं 5% मशीनों में ताकि देखा जा सके कि मशीन भाई मतलब 1000 वोट लायक है और ख़राब नहीं होगी 1000 इतने वोट डालने पे। पहली चीज़ ये देखते हैं। इसमें प्रत्याशियों को भी इन्वाइट किया जाता है, सभी बड़ी पार्टियों के और सभी निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ पर आके देख के साइन करके गए हैं, तो ये यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। दूसरी चीज़ हो रही है कि जो EDC और पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट पड़ रहे हैं, हाँ, उनको EDC जारी करा जाता है। अगर आपकी ड्यूटी सेम लोकसभा में है तो आप EDC प्राप्त करके जिस स्थल पर आपका वोट डालना है, जिस स्थल पे आपकी ड्यूटी लगी है, वहाँ आप वोट कर सकते हैं। अगर आपकी ड्यूटी दूसरी लोकसभा में है तो आप यहाँ पर डाक मतपत्र दे सकते हैं।